गुड आफ्टरनून टू ऑल ऑफ यू। तो सर्वे की आज की क्लास में हम बात करेंगे लेबलिंग से जुड़े हुए कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस के बारे में। हमारी ये सीरीज चल रही है जिसमें ये जो लेक्चर नंबर है वो लेक्चर नंबर 4 है जो आज हम डिस्कस करने जा रहे हैं। जितने भी स्टूडेंट्स यहाँ वीडियो देख रहे हैं वो सभी को शेयर कर दीजिए। गुड आफ्टरनून टू ऑल ऑफ यू। करें स्टार्ट, सभी को शेयर कर दीजिए वीडियो। सभी स्टूडेंट्स लाइव आ जाइए। देखें, स्टार्ट करते हैं आज का लेक्चर। देखें, क्वेश्चन हमें दिया गया है इसमें परमिसिबल क्लोजिंग एरर इज एक्सप्रेस्ड एज। हम जितने भी क्वेश्चन अब तक डिस्कस कर रहे हैं हमने लिए लेक्चर हमारा 4 है, जिसमें सबसे पहले लेक्चर में हमारे कुछ क्वेश्चन थे जो बेसिक थे, उसके बाद हमने और क्वेश्चन डिस्कस किए। तो जैसे जैसे हम आगे बढ़ते चले जाएंगे हमारे क्वेश्चंस के लेवल भी ऐसे होते चले जाएंगे जिसमें हमें कुछ ना कुछ सोचना होगा। डायरेक्टली हमें आंसर देने से पहले कुछ सोचना जरूर है, उसके बाद ही हम उसको आंसर करेंगे। तो देखेंगे जरा, आज के क्वेश्चंस हमारे काफी अच्छे हैं, आपको अच्छी तरह से आंसर देना है। जल्दबाजी आंसर करने में नहीं करनी है, पहले सोचना है, समझना है, फिर आंसर करना है, ताकि आपका कॉन्फिडेंस जो है वो बूस्टअप हो सके, लगातार कॉन्फिडेंस का आप आंसर दे सके। जल्दबाजी में आप आंसर करेंगे, आंसर गलत होगा तो फिर आपका कॉन्फिडेंस कहीं ना कहीं डाउन होता है। तो चलिए करते हैं आज की क्लास स्टार्ट, जिसमें हम बात करेंगे लेबलिंग से जुड़े हुए कुछ और क्वेश्चंस के बारे में। जैसा कि हमें क्वेश्चन दिया गया है, परमिसिबल क्लोजिंग एरर इज एक्सप्रेस्ड एज ई। हमसे बोला गया है कि कोई लेबलिंग वर्क हमने किया है जिसमें हमारी जो परमिसिबल एरर है वो ई है। ये देख रहे हैं परमिसिबल एरर हमारी कितनी दे रखी है, ई दे रखी है। और उसमें बोला गया है कि अगर सी एक कॉन्स्टेंट है, सी क्या है, एक हमारा कॉन्स्टेंट है, और उसमें हमारी जो के है वो हमारी डिस्टेंस इन किलोमीटर में है। के क्या है, हमारी डिस्टेंस है किलोमीटर में। इसका मतलब क्या है उसको हम समझते हैं। इसका आंसर करिए जरा, सभी लोग बताएं पहले इसका आंसर, फिर इसका मैं एक्सप्लेनेशन देता हूं। इसका आंसर करें सभी लोग, इसका आंसर करेंगे सभी स्टूडेंट्स। इसका आंसर कुछ इस ए बता रहे हैं, कुछ स्टूडेंट इसका आंसर सी बता रहे हैं। ठीक है, देखें इसका आंसर आप लोग बता रहे हैं ए, तो ए इसका आंसर सही है, लेकिन हम बात कर रहे हैं इस कांस्टेंट के बारे में। इससे जुड़े हुए क्वेश्चन हमें देखने को मिलते हैं। इस क्वेश्चन का मतलब क्या है पहले हम वो समझेंगे। देखें कि जब हम कोई लेबलिंग वर्क कर रहे हैं, आप सपोज कीजिए आपने कोई लेबलिंग वर्क किया, आप यहां पर हमने एक कोई बेंचमार्क लिया हुआ है और उसके बाद यहां स्टाफ रखा हुआ है, यहां पर हमारी मशीन है और हम लगातार लेबलिंग वर्क करते चले जा रहे हैं। फिर आप सपोज कीजिए कि आपने जो लेबलिंग वर्क किया है वो कुछ किलोमीटर तक आपने कर दिया, तो ये जरूरी नहीं है कि जो आपने लेबलिंग वर्क किया है वो एकदम 100% एक्यूरेट हो। तो उसमें कुछ हमारी जो परमिसिबल एरर है वो हमारी इसमें दी जाती है कि इतनी परमिसिबल एरर इतने किलोमीटर डिस्टेंस में अलाउ है, तो उसके उस एरर के अगर अंदर अंदर हमारी एरर आ रही है तो हमारा लेबलिंग वर्क एक्सेप्टेड होगा, अदरवाइज लेबलिंग वर्क हमारा क्या कर दिया जाएगा, रिजेक्ट कर दिया जाएगा। जैसे कि अगर हम बात करें अलग अलग टाइप की लेबलिंग के बारे में, अगर हम देखें तो यहां पर ये आपको समझने वाली बात है जो मैं आप बता रहा हूं। देखें हमने कोई लेबलिंग वर्क किया है जिसमें हमने सबसे पहले हम बात कर रहे हैं किसकी, प्रीसाइज लेबलिंग की। प्रीसाइज अगर लेबलिंग आपने की है, बहुत ही आप एक्यूरेट प्रीसाइज लेबलिंग कर रहे हैं, अति परिशुद्ध जिसे हिंदी में कहते हैं, तो प्रीसाइज लेबलिंग के लिए ये जो वैल्यू हमारी है किसकी, जो वैल्यू कॉन्स्टेंट की जो वैल्यू हम बात कर रहे हैं, कॉन्स्टेंट सी की वैल्यू ये हमारी होती है प्लस माइनस 0.006। कैसे यूज करते हैं अभी आपको बताता हूं इसको, पहले वैल्यू देखेंगे उसके बाद हम डिस्कस करेंगे। दूसरा, अगर हम बात करें एक्यूरेट लेबलिंग के बारे में, अगर आप एक्यूरेट लेबलिंग कर रहे हैं उस कंडीशन में जो हमारी कॉन्स्टेंट की वैल्यू यानी जो हमारी सी की वैल्यू है वो हमारी होती है प्लस माइनस 0.012। ये हमारी वैल्यू है किसकी, एक्यूरेट लेबलिंग के केस में। दूसरा, अगर हम बात करें सिंपल लेबलिंग अगर आप कर रहे हैं यानी साधारण लेबलिंग आप कर रहे हैं, तब उस कंडीशन में सिंपल लेबलिंग के केस में हमारी जो कांस्टेंट सी की जो वैल्यू होती है वो होती है हमारे प्लस माइनस
0.025 ये डेटा अगर किसी के पास नहीं है तो आप नोट भी कर सकते हैं। लास्ट में हम बात करें, अगर हम बल्क लेबलिंग कर रहे हैं उस कंडीशन में, बल्क लेबलिंग के केस में यानी स्थूल तणेक्षण के केस में हमारी वैल्यू होती है प्लस माइनस 0.100 होती है। तो अब आप देखिए इसको यूज कैसे करेंगे। सपोज कीजिए मैंने आपको बताया कि यहां से यहां तक हमारी जो डिस्टेंस थी वो 16 किलोमीटर हमने कोई सर्वे किया, और इस सर्वे किया हमने कौन सा, आप मान लें इसको हमने सर्वे किया है सिंपल लेबलिंग, हमें कंडीशन दी जाएगी इन केस ऑफ सिंपल लेबलिंग, हमने सिंपल लेबलिंग की है। अब देखेगा ध्यान से, हमने साधारण सर्वे किया और उस कंडीशन में जो हमने साधारण सर्वे किया है तो उस कंडीशन में हमें परमिसिबल एरर कितनी होगी। तो जो सर्वेयर इस सर्वे को कर रहा है, पेन की थिकनेस बढ़ा लीजिए, ठीक है, देखें जो सर्वे हम कर रहे हैं तो यहां पर हमारा फॉर्मूला क्या होना चाहिए, ई बराबर सी अंडर रूट के, ये हमारा फॉर्मूला है। अब यहां पर सी जो है वो हमारा कॉन्स्टेंट की वैल्यू है, और कितनी ली जाएगी सिंपल लेबलिंग के अकॉर्डिंग, ये जो हमारी कॉन्स्टेंट की वैल्यू है वो ली जाएगी हमारी प्लस माइनस 0.025 अंडर रूट के, और अंडर रूट के की वैल्यू हमारी कितनी यहां पर 16। तो ये जब हम सॉल्व करेंगे तो हमारी जो परमिसिबल एरर है वो प्लस माइनस 0.025 मल्टीप्लाई बाई 4, ये जो हमारी वैल्यू आएगी इसका हमारा 0.100, ये हमारी यानी कि जो हमारी एरर है वो इतनी ही होनी चाहिए, या तो पॉजिटिव भी हो सकती है एरर और हमारी नेगेटिव भी हो सकती है। लेकिन अगर इससे ज्यादा एरर है तो उस कंडीशन में, हाँ बिल्कुल 0.10 उस कंडीशन में हमारा क्या होगा, सर्वे रिजेक्ट कर दिया जाएगा इससे अगर एरर ज्यादा है या कम है। तो ये जो वैल्यू मैंने यहां पर आपको लिखी है 1, 2, 3, 4 ये जो वैल्यू है ये आपको अच्छी तरह आनी चाहिए, और ये जो हमने यहाँ पर क्वेश्चंस मैंने आपको बताया उसका आंसर आपको याद रखना है सी अंडर रूट के, जहाँ के हमारे किलोमीटर में डिस्टेंस है और सी हमारी कॉन्स्टेंट की वैल्यू जो मैंने अलग अलग के लिए ली है। ब्राइटनेस ठीक नहीं है क्या, ब्राइटनेस सही आ रही है, थोड़ी ब्राइटनेस कम करवा दें, थोड़ी देखें जरा यूट्यूब पर क्वालिटी बढ़ा के देख लें एक बार जरा ब्राइटनेस ठीक है या नहीं। चलिए समझ में आ रहा है सभी को, चलिए नेक्स्ट चलते हैं आगे। ठीक ठीक देखें सभी स्टूडेंट्स आगे देखेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन देखें, हमें बोला गया परमिसिबल एरर, आज जितने भी स्टूडेंट्स यहां वीडियो देख रहे हैं वो कंटिन्यू वॉच करें, क्वेश्चंस आपको आज बहुत अच्छे अच्छे क्वेश्चंस देखने वाले हैं, आप कंटिन्यू लगातार यहां देखें, आपको बहुत कुछ सीखने को यहां पर नया मिलेगा। आगे बोला गया कि परमिसिबल एरर अगर ई है, इस क्वेश्चन को पढ़ेंगे और आंसर करेंगे, तो प्रिसाइज लेबलिंग यानी अति प्रसिद्ध लेबलिंग के केस में टाइप विद डिस्टेंस डी इन किलोमीटर, यानी हमारे डी जो है वो डिस्टेंस है, अब पिछले क्वेश्चन में हमारा के डिस्टेंस था अब हमारा डी डिस्टेंस है, उस कंडीशन में प्रिसाइज लेबलिंग के केस में हमारी जो कांस्टेंट की वैल्यू है वो हमारी यानी कि हमारा कांस्टेंट के साथ हमें से पूछा गया है कि कौन सा फॉर्मूला हमारा सही रहेगा, तो इस कंडीशन में कौन सा आंसर होगा, बी, बिल्कुल सभी सही आंसर बता रहे हैं। अब आप ये भी रिवाइंड कर लीजिए, बी हमारा प्रिसाइज के लिए हो गया, और अगर हमसे पूछा गया होता यहाँ पर प्रिसाइज के एक्यूरेट तो हम आंसर कौन सा सही करते, हमारा ये एक्यूरेट के लिए ठीक होता, एक्यूरेट लेबलिंग के लिए। दूसरा अगर हम बात करें ये इस फॉर्मूले की, तो इस फॉर्मूला हमारा कौन सा यूज था, जब हम सिंपल लेबलिंग कर रहे होते तब के लिए ठीक था। दूसरा बल्क में अगर हम लेबलिंग कर रहे हैं, बल्क लेबलिंग हो रही है, तब उस कंडीशन में कौन सा हमारा 0.100 अंडर रूट डी हमारा सही होगा। तो देखें ये क्वेश्चन हमारा चार तरीके से पूछा जा सकता है, प्रिसाइज की जगह जैसे ही डाटा चेंज होगा हमारा आंसर भी चेंज हो जाएगा, तो आपको ध्यान रखना है इन सारी वैल्यू को आप अच्छी तरह से याद रखेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन डिस्कस करते हैं, देखें बहुत अच्छा सवाल है, इसको आप एक बार ध्यान से पढ़िए फिर देखिए। जितने भी स्टूडेंट यहां पर लाइव देख रहे हैं मैं उनसे यही कहूंगा कि जब मैं लास्ट में इसका देखता हूं कंटिन्यूअस वॉच का टाइम मैं देखता हूं, वो बीच में सभी स्टूडेंट्स को ऐसा आता है कि बीच बीच में स्किप करते हैं, वो आपके लिए बहुत नुकसानदायक है। अगर आप वीडियो देख रहे हैं या तो देखो ही मत, और अगर देख रहे हैं तो फिर कंटिन्यू वॉच में रहें, आप एक घंटे तक लगातार जुड़े रहें, इस क्वेश्चन को पढ़ेंगे और आंसर करेंगे, जरा सभी स्टूडेंट इसका आंसर करेंगे, बताएं इसका आंसर कौन सा सही होगा, सभी लोग पढ़ें। इस क्वेश्चन का आंसर करें, सभी लोग पढ़ें और फिर ध्यान से इसका आंसर करें। सी यानी कि ऑल द थ्री आर करेक्ट, और बताएं और बाकी लोग आंसर करें। बाकी लोग आंसर करें, कुमारी सुनीता गुड आफ्टरनून, आंसर करें इसका।
सी ऑल द थ्री आर करेक्ट, हाँ मोनू कुमार डेली क्लास चल रही है, यहां पर डेली क्लास चल रही है, आगे भी चलती रहेगी, इसी टाइम डेली आप ज्वाइन करें, पूरी क्लास इसको देखें। सी बी, कुछ लोगों ने इसका आंसर बी बताया, वन एंड टू आर करेक्ट, सरिता पासवान, आगे देखेंगे जरा इस क्वेश्चन में, देखें आगे ऑप्शन नंबर हमारा वन क्या कर रहा है, हमें इसमें क्या करना है, करेक्ट स्टेटमेंट देखना है, हमें स्टेटमेंट पढ़ना है और उसके बाद हमें करेक्ट आंसर करना है। चलिए देखें, काफी लोगों का सी आंसर आ रहा है और काफी लोगों का बी, यानी बी या सी में से ही कोई एक है, देखते हैं इसका आंसर क्या है। हाँ जी बिल्कुल, देखें जरा आगे, अब पहला वाला ऑप्शन ए पर हम विचार करें, ऑप्शन नंबर वन पर, वन हमारा क्या कह रहा है, इन असेंडिंग ए हिल, ध्यान से देखेंगे इसको, इन असेंडिंग हिल यानी कि एक चढ़ती हुई पहाड़ी है, इस तरीके से एक ढाल हमारा इस तरह से असेंडिंग हिल यानी कि आगे की तरफ। देखें यहां पर हमने क्या किया, ये हमारा कोई सर्वे हमने यहां से स्टार्ट किया और यहां पर हमने इंस्ट्रूमेंट रखा हुआ है, आई कह रहा है कि असेंडिंग हिल द बैक साइड डिस्टेंस इज मोर देन द फोर साइड, कह रहा है कि जो हमारी बैक साइड, देखें आगे की तरफ जा रहे हैं, सपोज कीजिए आपने यहां सर्वे स्टार्ट किया है तो जाहिर सी बात है आप बैक साइड यही लेंगे और फोर साइड हम यहां पर लेंगे, ये हमारी फोर साइड हो गई। अब ये इस क्वेश्चन के अकॉर्डिंग बोल रहा है कि हमें यहां पर इंस्ट्रूमेंट सेट करना चाहिए कि इसके नजदीक हमें सेट करना चाहिए ताकि ये जो डिस्टेंस है, ये वाली जो डिस्टेंस है, कह रहा है कि बैक साइड डिस्टेंस इज मोर देन द फोर साइड, यानी बैक साइड डिस्टेंस इज मोर देन फोर साइड डिस्टेंस, ये हमसे बोल रहा है। तो अब इसको वेरीफाई करते हैं कि सही है या नहीं है, आंसर के लिए हमें लॉजिक जरूर ध्यान देना है, इसको समझना है। देखें हमें जो ऑप्शन, जो हमें बैक साइड यहां पर डिस्टेंस ज्यादा क्यों होनी चाहिए उसको हमें समझना है, इसलिए ज्यादा होनी चाहिए क्योंकि अगर हम इस डिस्टेंस को यहां पर इंस्ट्रूमेंट को, सपोज कीजिए आपने इंस्ट्रूमेंट को यहां लगा लिया तो होगा क्या कि ये लाइन ऑफ साइट जो निकलेगी वो पहाड़ी से टकरा जाएगी थोड़ा सा नीचे आते ही, जबकि हमें स्टाफ दिखाई नहीं देगा और हमें देखना है स्टाफ। और आप जानते हैं कि बॉटम ऑफ द स्टाफ पर रीडिंग जब हम पढ़ते हैं तो वो रीडिंग पढ़ना थोड़ा सा कठिन होता है इन कंपेरिजन ऑफ जब हम ज्यादा रीडिंग पढ़ने की बात करते हैं तब। तो हम यहां पर एक तो ये तो आप ये भी कह सकते हैं कि हमें इस पहाड़ी से लाइन ऑफ साइट ना टकरा जाए उसके लिए इस इंस्ट्रूमेंट को जितना पॉसिबिलिटी है इसको हमें ऊपर खींचते रहना चाहिए, यानी इसके नजदीक हमें सेट करना चाहिए। तो स्टेटमेंट नंबर वन हमारा यहां पर सही है, ये हमारा स्टेटमेंट सही है। ठीक है, आगे अगर बात करें स्टेटमेंट नंबर यहां पर टू के बाद पहले थ्री देखें यहां पर, अब क्योंकि ये सेम स्टेटमेंट है, ये असेंडिंग हिल की बात कर रहा है और ये डिसेंडिंग हिल की बात कर रहा है। अब हम बात करते हैं स्टेटमेंट नंबर टू, पहला वाला सभी को समझ में आया ना, सभी स्टूडेंट को समझ में आ रहा है पहला वाला स्टेटमेंट, मैंने आपको यहां पर सही क्यों बताया इसको देखा। आगे देखेंगे, बिल्कुल देखें, अब हमारा स्टेटमेंट नंबर टू कह रहा है कि वाइल डिसेंडिंग ए हिल, यानी अगर हम डाउनवर्ड डायरेक्शन में जा रहे हैं इस तरीके से, तब कह रहा है इट इज इजी टू रीड, तब हमें आसान होता है। यहां पर देखें, अब हमने सर्वे यहां किया है स्टार्ट, तो यहां किया है तो इसका मतलब बैक साइड अब हमारी ये वाली हो जाएगी और यहां पर हमने फोर साइड लिया होगा, मान लेते हैं ये हमारी फोर साइड डिस्टेंस हो गई, ये हमारी फोर साइड हो गई। अब कह रहा है व्हाइल डिसेंडिंग ए हिल इट इज इजी टू रीड, यानी ये आसान है पढ़ना किसको, फोर साइड देन ए बैक साइड डिस्टेंस, कह रहा है बैक साइड ऑन स्टाफ, कह रहा है कि हमें यहां पर हमने मशीन रखी हुई है तो ये कहना चाह रहे हैं कि हम बैक साइड को हम कठिन, हमें पढ़ने के लिए कठिन कठिनाइयों का सामना करना पड़ेगा और हम फोर साइड को आसानी से हम यहां पर पढ़ सकते हैं। तो देखें जरा, एक सर्वेयर इस डायरेक्शन से इस डायरेक्शन में पढ़ेगा तो इसको रीडिंग ये आराम से पढ़ सकता है, यहां सर्वेयर खड़ा हुआ है तो फोर साइड रीडिंग को आराम से पढ़ेगा, जबकि आप खुद सोचिए कि आप पहाड़ी पर चढ़ रहे हैं तो जब हम चढ़ते हैं तो हमें जब चढ़ते टाइम हमें मशीन को भी एकदम हिलने डुलने नहीं देना है और इजी यानी बिना डिस्टर्ब किए मशीन को हमें रीडिंग पढ़ना भी है। तो आप यहां पर समझिए, प्रैक्टिकली सोचिए कि नीचे से ऊपर की तरफ अगर हम बात करें तो हमें रीडिंग पढ़ना आसान है या फिर ऊपर खड़े होकर हमें नीचे देखना आसान होता है, तो हमें ऊपर खड़े होकर नीचे देखना आसान होता है जबकि नीचे से
ऊपर की तरफ हम चलते हैं और तब कोई रीडिंग हम देखें तो रीडिंग हमें मुश्किल होगा, उसको पढ़ना कठिन होगा। तो यही बात इसने कही है कि वाइल डिसेंडिंग ए हिल इट इज इजी टू रीड फॉरसाइट, कि हमें रीडिंग फॉरसाइट पढ़ना हमें आसान होगा। तो ये हमारा ऑप्शन नंबर यहां पर 3 भी करेक्ट है। आगे कह रहा है ऑप्शन नंबर 2 देखेंगे, ऑन हिल्स टू अवॉइड शॉर्ट साइड्स इन लेबलिंग। कह रहा है कि हिल में शॉर्ट साइड को अवॉइड करने के लिए द इंस्ट्रूमेंट शुड बी सेट सो एज द ऑप्टेन जिगजैग साइड। कह रहा है कि इसका स्टेटमेंट भी कुछ क्लियर नहीं है। देखें ऑन हिल, दोबारा पढ़ते हैं इसको एक बार, ऑन हिल टू अवॉइड शॉर्ट साइड, यानी कि हिल के केस में शॉर्ट साइड को अवॉइड करने के लिए हमें इंस्ट्रूमेंट को कहां सेट करना चाहिए ताकि हम ऑप्टेन जिगजैग साइड, ताकि हम जिगजैग साइड को भी हम ऑप्टेन कर सकें। तो देखें यहां पर स्टेटमेंट कुछ क्लियर नहीं है। स्टेटमेंट जो यहां पर है वो इस तरीके से होना चाहिए कि हमें इंस्ट्रूमेंट को कहां सेट करना चाहिए क्लियरली, पर इसने को अभी बोला है कि शॉर्ट साइड को अवॉइड करना है, जिगजैग साइड को ले लेना है। तो इस स्टेटमेंट पर हमें कोई क्लियरली आंसर हम यहां पर नतीजे पर नहीं पहुंच पा रहे हैं। तो इसमें ऑप्शन नंबर बी हम करेक्ट लगाएंगे, 1 और 2 ऑप्शन हमारा करेक्ट यहां पर हम लगाएंगे। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे। अगला हमारा है पिक आउट द करेक्ट स्टेटमेंट। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा है एक पिक आउट द करेक्ट स्टेटमेंट हमें बताना है, ऊपर से नीचे इजी। हाँ बिल्कुल, इस क्वेश्चन में देखें हमें बोला गया है पिक आउट द करेक्ट स्टेटमेंट, इसमें हमें करेक्ट स्टेटमेंट देना है। अब स्टेटमेंट कैसा है, 3 करेक्ट आंसर, 3 उसमें करेक्ट होंगे। तो मैं आपको एक बार और इसका और इस क्वेश्चन में ये वाला जो ऑप्शन नंबर 2 है इसका और एक्सप्लेनेशन एक बार हम देखेंगे कि टाइपिंग में कोई मिस्टेक तो नहीं है। फिलहाल में जो स्टेटमेंट है उसके अकॉर्डिंग कुछ सही से डिसीजन नहीं ले पा रहे हम। तो अभी हम यहां पर क्या करेंगे, इसको अवॉइड करें, ऑप्शन नंबर 2 है यहां पर हम करेक्ट मान रहे हैं। अगर इसमें होगा कुछ मिस्टेक तो मैं आपको सही करके नेक्स्ट क्लास में इसी पीडीएफ को एक बार दोबारा से बताएंगे। फिलहाल में इसको देखिए, पिक आउट द करेक्ट स्टेटमेंट, इसमें हमें करेक्ट स्टेटमेंट ढूंढना है। तो हमसे बोला गया है सेंसिटिविटी ऑफ बबल ट्यूब के बारे में हम पढ़ चुके हैं कि कोई हमारी बबल ट्यूब है उसकी जो सेंसिटिविटी के बारे में अगर हम बात करते हैं। तो देखें बबल ट्यूब के बारे में अगर हम बात करें, यहां पर ये हमारी बबल ट्यूब है और बबल ट्यूब में सेंसिटिविटी की यहां बात हो रही है। तो पहला ऑप्शन क्या कह रहा है, द सेंस, अब इसको हम कई बार डिस्कस कर चुके हैं तो यहां पर आपका आंसर सही आना चाहिए सभी का। सभी लोग आंसर करें फटाफट, 1 और 3 डी, ज्यादातर लोग डी आंसर कर रहे हैं। देखते हैं, सेंसिटिविटी ऑफ बबल ट्यूब इंक्रीज, जो हमारी बबल ट्यूब की सेंसिटिविटी है वो इंक्रीज हो जाती है किसके साथ, विद द इंक्रीज ऑफ रेडियस ऑफ कर्वेचर, कि रेडियस ऑफ कर्वेचर के इंक्रीज होने के साथ साथ। स्टेटमेंट नंबर 1 सही है। दूसरा, द सेंसिटिविटी ऑफ बबल ट्यूब इंक्रीज, कह रहा है सेंसिटिविटी हमारी इंक्रीज हो जाती है विद द इंक्रीज इन द लेंथ ऑफ वेपर बबल, जो हमारी बबल है उसके इंक्रीज के होने के साथ साथ हमारी इंक्रीज हो जाती है। ये भी स्टेटमेंट हमारा ठीक है। द सेंसिटिविटी ऑफ बबल ट्यूब इंक्रीज विल बी मोर, यानी कि हमारी ज्यादा इंक्रीज हो जाएगी सेंसिटिविटी कब, इफ द डायामीटर ऑफ बबल ट्यूब इज मोर, हमारा डाया जो हमारा मोर हो जाएगा तब। डाया मीन्स इसका क्रॉस सेक्शनल डाया, अगर हम ज्यादा कर देंगे तो हमारी बबल ट्यूब की सेंसिटिविटी भी हमारी ज्यादा हो जाएगी। तो इसमें आंसर लगाएंगे डी। जिन लोगों ने डी आंसर किया है वो हमारा आंसर ठीक होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, अगला नेक्स्ट क्वेश्चन इसको देखें, जरा बताएं इस क्वेश्चन को देखें जरा। इसमें बोला है पिक आउट द करेक्ट स्टेटमेंट, हमें करेक्ट स्टेटमेंट बताना है। इसमें डायरेक्ट लेबलिंग इज मोर प्रिसाइज देन इनडायरेक्ट लेबलिंग, पहले आंसर करें सभी लोग डी, 1 और 2 इज करेक्ट आंसर करें इसका। देखें जरा ऑप्शन नंबर 1, ध्यान से समझेंगे इसको। ऑप्शन नंबर 1 क्या कहता है, इसमें क्या है, डायरेक्ट लेबलिंग इज मोर प्रिसाइज देन इनडायरेक्ट लेबलिंग। देखें जरा आप इसको, यहां पर हम चलते हैं, लेबलिंग के टाइप हमने पिछली क्लास में डिस्कस किए थे। लेबलिंग के टाइप तो हमारे कितने थे, 2 टाइप की हमारी लेबलिंग थी। कौन कौन सी थी, सबसे पहली हमारी थी डायरेक्ट लेबलिंग और उसके बाद हमारी थी इनडायरेक्ट लेबलिंग। तो डायरेक्ट एंड इनडायरेक्ट लेबलिंग हमारी थी यहां पर। अब इनडायरेक्ट लेबलिंग में अगर हम बात करें तो हमारी कौन कौन सी थी, बैरोमेट्रिक, आपको मैंने बता चुका हूं बैरोमेट्रिक। दूसरी हमारी कौन सी थी, हाइप्सोमीट्री। तीसरी हमारी कौन सी थी, ट्रिगोमेट्रिकल। अब देखें जरा ध्यान से, ये लेबलिंग हम अगर हम एक्यूरेसी के आधार पर अगर हम बात करते हैं
तो ये हमारी जो डायरेक्ट लेबलिंग है इसे हम स्प्रिट लेबलिंग भी कहते हैं, और ये हमारी मोर एक्यूरेट है। ये हमारी कैसी है? मोर एक्यूरेट इन कंपैरिजन ऑफ इनडायरेक्ट लेबलिंग। क्यों एक्यूरेट? क्योंकि देखें यहां पर हमारी जो बबल ट्यूब है उसके बहुत ज्यादा सेंसिटिविटी उसमें होती है, और हम डायरेक्ट रीडिंग वो पढ़ते हैं जो हमारी एक्यूरेट रीडिंग होती है, और बाकी किसी अल्टरनेट सोर्स का हम यूज नहीं करते हैं। जबकि अगर देखें ये हमारी दाब पर आधारित है, बैरोमेट्रिक लेबलिंग यानी कि प्रेशर पर आधारित है। दूसरी हमारी हाइप्सोमेट्री उस स्थान पर पानी उबलने के से कनेक्टेड है, और तीसरी हमारी ट्रिग्नोमेट्रिकल ये हमारी हाइट एंड डिस्टेंस वाले फार्मूलों पर एक्यूरेट है, डिपेंड है। तो कहीं ना कहीं हमारी ये तीनों टाइप की हमारी जो लेबलिंग है ये हमारी उतनी एक्यूरेट नहीं है जितनी कि हमारी डायरेक्ट लेबलिंग होती है। तो डायरेक्ट लेबलिंग से हमारे आंसर ज्यादा ठीक एक्यूरेट आंसर हमें देखने को मिलते हैं। तो यहां पर हम ऑप्शन नंबर 1 को तो कहेंगे कि ये हमारा करेक्ट है कि डायरेक्ट लेबलिंग इज मोर प्रीसाइज देन इनडायरेक्ट लेबलिंग, ठीक है। दूसरा, ट्रिगोमेट्रिक लेबलिंग गिव्स बेटर रिजल्ट देन स्प्रिट लेबलिंग। अब देखो इस ऑप्शन में और इस ऑप्शन में कोई विशेष अंतर नहीं है। अब जरा बताओ कौन सा आंसर सही आएगा इसका? अब आंसर बताएंगे कोई? अब मैंने आपको एक एक्सप्लेनेशन दे दिया, अब आंसर जरा करें इस क्वेश्चन का आंसर। 1 सही है, ठीक। देखें तो ट्रिग्नोमेट्रिक लेबलिंग गिव्स बेटर रिजल्ट, ट्रिग्नोमेट्रिक लेबलिंग हमारी क्या कर रही है? बेटर रिजल्ट देती है। किससे? स्प्रिट लेबलिंग। देखो स्प्रिट लेबलिंग ही हमारी डायरेक्ट लेबलिंग है, तो इनडायरेक्ट लेबलिंग कैसे? ट्रिग्नोमेट्रिक लेबलिंग कैसी है? इनडायरेक्ट लेबलिंग है, तो ये हमारी बेटर रिजल्ट नहीं देती है। तो ऑप्शन नंबर 2 हमारा कैसा हो गया? यहां पर गलत हो गया, ठीक है। नेक्स्ट, बैरोमेट्रिक लेबलिंग गिव्स बेस्ट रिजल्ट, कराए कि बैरोमेट्रिक तो सबसे ज्यादा बेस्ट रिजल्ट देती है, ये सबसे अच्छी लेबलिंग है, तो फिर आज तक इसे को यूज करना चाहिए था। हम स्प्रिट लेबलिंग करके हो रहे हैं यूज, हम धीरे धीरे क्या कर रहे हैं? देखें लेबलिंग में अगर आप बात करें या फिर आप सर्वेइंग की बात करें, तो पहले के टाइम में हमने डंपी लेबल यूज किया, फिर उसमें कुछ एरर्स थी, फिर हमने और टाइप की मशीनें यूज की, आईओपी लेबल, टिल्टिंग लेबल वगैरह यूज किया हमने। उसके बाद अगर लेबलिंग की बात करें, उसके बाद हमने देखा कि हमारे स्टाफ की लिस्ट काउंट जैसे भी थे उनमें भी हमने कुछ एक्यूरेसी लाए हम, फिर उसके बाद हमने लेबल मशीन में डंपी लेबल वगैरह की जगह उसको हम रिप्लेस कर दिया, ऑटोमेटिक लेबल यानी ऑटो लेबल आ गया। फिर तो ऑटो लेवल में भी हम अब उसमें होकर आए, मशीनों में धीरे धीरे सुधार हो रहा है और एक्यूरेसी की तरफ चल रहे हैं। उसके बाद हमने क्या कर दिया, अब आप देखते होंगे कि जितने भी हम सर्वे यूज करते हैं उसमें टीएस यूज करते हैं, तो उसमें हमारी जो एक्यूरेसी है धीरे धीरे हमारी इंक्रीज होती जा रही है, चाहे हम एंगुलर मेजरमेंट की बात करें, चाहे हम लीनियर मेजरमेंट की बात करें, चाहे हम लेबलिंग में वर्टिकल मेजरमेंट की बात कर लें। तो हाँ बिल्कुल, तो अब हमारा क्या हो रहा है, धीरे धीरे हम एक्यूरेसी की तरफ बढ़ रहे हैं। तो कहीं ना कहीं हमारी पहले इनडायरेक्ट लेबलिंग करते थे, अब उसके बाद हम डायरेक्ट लेबलिंग आ गए, तो डायरेक्ट लेबलिंग हमारी जितनी भी है बाकी सबसे जितनी भी 3 है बाकी सबसे एक्यूरेट है हमारी, ठीक है। चलिए तो इसमें आंसर कौन सा लगाएंगे, ये भी हमारा गलत है, तो आंसर होगा ओनली 1 इज करेक्ट, सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे अगला, द रियल इमेज ऑफ एन ऑब्जेक्ट फॉर्म बाई ऑब्जेक्टिव। देखिए हमारा क्वेश्चन क्या है, द रियल इमेज ऑफ एन ऑब्जेक्ट फॉर्म्ड बाई द ऑब्जेक्टिव मस्ट बी, कह रहा है कि हमारी जो रियल इमेज है वो हमारी कहां बनती है ऑब्जेक्टिव के द्वारा, ये बात कर रहा है किसकी तरह आंसर करें। तब तक आंसर करें, मैं इसका डायग्राम बना लेता हूं, सभी लोग पढ़ के इसका आंसर करें क्या आंसर होना चाहिए इसका। आंसर करें सी, इन द प्लेन ऑफ क्रॉस वायर, बिल्कुल ठीक है। देखें हमारा जो क्वेश्चन है इसमें हमसे बोला गया है कि द रियल इमेज ऑफ एन ऑब्जेक्ट जो हमारी वस्तु है, अब ऑब्जेक्ट के रूप में हमारे पास क्या चीज है, हमारे पास स्टाफ है, तो अगर इसकी जो रियल इमेज है तो हमारी रियल इमेज हमारी कहां बनती है, इसमें ऑब्जेक्ट ग्लास से होते हुए हमारी कहां बनती है, इन द प्लेन ऑफ क्रॉस वायर यानी डायफ्राम के प्लेन में हमारी यहां रियल इमेज बनती है, और यहीं पर हमारा डायफ्राम होता है, और डायफ्राम और स्टाफ पर हमारी रीडिंग कुछ इस तरीके से हमारी आने लगती है। इसके पीछे मैं ग्रीन कलर में स्टाफ आपको दिखा रहा हूं बनाकर, ये हमें इस तरीके से कुछ स्टाफ नजर आने लगता है, और इस पर जो रीडिंग होती है वो रीडिंग हम क्या करते हैं, इन वायर्स की मदद से हम रीडिंग को पढ़ लेते हैं। तो हमारी जो स्टाफ की रीडिंग है तो कौन से प्लेन में हमारी आती है,
ये हमारे डायफ्राम वाले प्लेन में आती है। कोई बताए, कोई भी स्टूडेंट कमेंट करके बताए कि डायफ्राम किस प्लेन में स्थित होता है, वर्टिकल प्लेन में, ऑब्लिक प्लेन में या हॉरिजॉन्टल प्लेन में, बताएं जरा जल्दी से फटाफट। डायफ्राम किस प्लेन में स्थित होता है ये बताएं, डायफ्राम किस प्लेन में स्थित होता है, वर्टिकल में, ऑब्लिक में या हॉरिजॉन्टल प्लेन में। बिल्कुल, वर्टिकल प्लेन में हमारा डायफ्राम होता है, तो हमारी ये रीडिंग है वो हमारी वर्टिकल प्लेन में आती है। ऐसे ही पूछ सकता था हमारे यहाँ इस क्वेश्चन में कि वर्टिकल प्लेन में, यहाँ पर बोल देता कि वर्टिकल प्लेन ऑप्शन है, दूसरा हॉरिजॉन्टल प्लेन ऑप्शन है, तीसरा ऑब्लिक प्लेन ऑप्शन है, इस तरह से बहुत सारे ऑप्शन भी दे सकता था, तो आंसर आपका होता वर्टिकल प्लेन में। जितने भी स्टूडेंट्स हमारी वीडियो देख रहे हैं, अगर आपको ये सेशन अच्छा लगता है तो वीडियो को लाइक करें, ज्यादा से ज्यादा लोगों तक शेयर भी करें। बाकी आप बता दें कि आपको देखें, जितने भी स्टूडेंट्स हमारी वीडियो देख रहे हैं वो लाइक और शेयर करना ना भूलें। जितना आप ज्यादा सहयोग करेंगे उतनी ही ज्यादा ये क्लासेस के टाइमिंग बढ़ते चले जाएंगे। आपके रेस्पॉन्स के ऊपर काफी कुछ डिपेंड करता है, इस बात को आप विशेष ध्यान रखेंगे। चलिए देखें, वीडियो अच्छी लग रही है तो जरूर लाइक करें। नेक्स्ट क्वेश्चन, अगला क्वेश्चन देखें, इसका आंसर बताइए। कल मैंने आपको एक बात बताई थी, यहां पर देखें, कल मैंने आपको क्या बताया था कि जब हम लेबलिंग वर्क कर रहे होते हैं तो हमेशा एक फार्मूला हमारा होता है कि हाइट ऑफ इंस्ट्रूमेंट बराबर, क्या फार्मूला हम यूज करते हैं, बेंचमार्क प्लस बैक साइड, ये हम यूज करते हैं। दूसरा मैंने बताया था अगर आरएल निकालना होता है तो हम हाइट ऑफ इंस्ट्रूमेंट में से माइनस कर देते हैं एफएस, ये फार्मूला आपको मैंने कल बताया था। जब हमने ये डिस्कस किया था कि फोर साइड हमारी नेगेटिव साइड है और बैक साइड हमारी हमेशा ऑलवेज पॉजिटिव साइड होती है, आपको याद होगा कल की क्लास में मैंने ये डिस्कस किया था। वही फिर मैंने आपको ये भी बताया था कल कि जब हमारे पास एक ही ऐसी सिचुएशन होती है जिसमें हमें, बिल्कुल, जिसमें हमें अगर सीलिंग का आरएल या किसी बीम का आरएल या फिर किसी स्लैब का आरएल अगर हमें निकालना होता है, तो उस कंडीशन में मैंने बताया था यही एक ऐसी अपवाद वाली स्थिति है जहां हमें फोर साइड को माइनस ना करके पॉजिटिव करना होता है। कुछ ऐसा ही इस क्वेश्चन में हमारे साथ हुआ है, देखेंगे। बोल रहा है कि बैक रीडिंग ऑन बीएम, कह रहा है बेंचमार्क कहीं पर है, हमारे पास ये कोई एक बेंचमार्क है, ये बेंचमार्क है और बेंचमार्क की जो रीडिंग है वो हमें दे रखी है 100। बेंचमार्क रीडिंग कितनी, 100 है, और बेंचमार्क की रीडिंग हमारी 100 है और उस पर हमने जो बैक साइड ली है उसकी रीडिंग हमारी है 3.250। ये रीडिंग हमारी जो है, यानी इसका मतलब यहां कहीं मशीन रखी होगी और हमने जब रीडिंग पढ़ी है तो ये रीडिंग हमारी बैक साइड बराबर 3.250 मीटर की रीडिंग हमारी यहां पर आ गई। आगे की अगर बात करें, द इन्वर्टेड स्टाफ रीडिंग ऑन द बॉटम ऑफ द गडर, बोल रहे हैं कि आगे कोई यहां गडर है, यहां पर हमारे पास ये कोई ग्रीन कलर का हमने यहां पर कोई गडर मान लिया, ये हमारे पास गडर है। कह रहा है कि जब गडर से हमने स्टाफ को इन्वर्टेड यानी उल्टा जब हमने लटकाया तो इसकी जो लाइन ऑफ साइट आई वो यहां पर टकराई, उस कंडीशन में द रीडिंग हमारी कितनी है 1. ये हमारी जो एफ एस है वो हमारी रीडिंग हो गई 1.250 मीटर रीडिंग आई है। तो अब यहां पर हम इसका, हमसे पूछा है कि द आरएल ऑफ बॉटम ऑफ द गडर, कि हमारे गडर के बॉटम का आरएल कितना होगा, तो उसको हम कैसे देखेंगे, उसको समझना है। देखें, सबसे पहले हम क्या करेंगे, ये हमारा कोई मीन सी लेवल है और मीन सी लेवल से हम हाइट ऑफ इंस्ट्रूमेंट पता करेंगे, यानी हाइट ऑफ इंस्ट्रूमेंट क्या होती है, मैंने आपको कल बताया था हाइट ऑफ इंस्ट्रूमेंट ये हमारी लाइन ऑफ साइट है, इसको लाइन ऑफ कॉलिमेशन भी कह सकते हैं, और लाइन ऑफ साइट या लाइन ऑफ कॉलिमेशन तक की दूरी निकालने के लिए हम क्या करते हैं, एच आई यानी हाइट ऑफ इंस्ट्रूमेंट निकालने के लिए हम बेंचमार्क 100 और इसको हम जोड़ देंगे तो 3.250 आ जाएगा, तो ये रीडिंग हमारी हो जाएगी 103.250। ये तो आ गई हमारी हाइट ऑफ इंस्ट्रूमेंट, यानी यहां से यहां तक की रीडिंग, यानी इस लाइन की रीडिंग हमारी हो गई 103.250। अब हमसे पूछा गया है इसका आरएल, तो इसका आरएल के लिए हम क्या करें, यहां से यहां तक की जो रीडिंग है वो 1.250 है, इसको और ऐड कर देते हैं तो हमारा आंसर आ जाएगा 1.250। तो ये जो रीडिंग है हमारी वो आ जाएगी 104.500 आ गई। बिल्कुल देखें, 104.500 इसका मतलब ऑप्शन नंबर सी सही हो गया, ठीक है। हाँ बिल्कुल, मनोज वाजपेयी बिल्कुल सही कह रहे हैं आप, ऑप्शन बिल्कुल आपका सही है, ठीक है। चलिए, ये समझ में आ रहा है सभी को, बिल्कुल सभी को समझ में आ रहा है। चलिए आगे देखेंगे, नेक्स्ट
नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे। अगला क्वेश्चन है, इस क्वेश्चन को पढ़ेंगे और फिर बताएंगे। हमसे बोला गया है कि इन द बबल ट्यूब ऑफ सर्वे इन सर्वेइंग इक्विपमेंट्स व्हेन द टेम्परेचर राइज द लेंथ ऑफ बबल इज, कह रहा है कि टेम्परेचर अगर बढ़ जाएगा तो बबल की जो लेंथ है उस पर क्या फर्क पड़ेगा। इसका आंसर करिए जल्दी से। बिल्कुल बिल्कुल, पहले पोलिंग करवाएंगे फिर इसको हम डिस्क्राइब करेंगे। ओके ठीक है, इसका आंसर हम बता रहे हैं डी। सभी लोग आंसर दे दिए सी। मुकेश कुमार यादव, इसका आंसर आप सी क्यों दे रहे हैं, इंक्रीज इंक्रीज हो जाएगी। ज्यादातर बच्चों का आंसर डी आ रहा है। सौम्या, अनु, सभी का आंसर डिक्रीज है और किसी का आंसर, अनु का आंसर सी है। तो देखते हैं जरा इसमें क्या आंसर होगा। आपको याद होगा कि मैंने आपको एक बात बताई थी, जब हम सेंसिटिविटी पढ़ रहे थे तो मैंने आपको बताया दो तरीके से हमने एक्सप्लेनेशन लिया था कि अगर हम टेम्परेचर को बढ़ा देते हैं, पहले हमने बताया था कि सेंसिटिविटी अगर हमारी बढ़ेगी, अगर हम बात करें विस्कोसिटी अगर बढ़ेगी तो सेंसिटिविटी की वैल्यू क्या होगी, उसके बारे में हमने डिस्कस कर चुके हैं। देखें जरा, मैं दोबारा से इसको मिटा के फिर डिस्कस करते हैं। ध्यान समझेंगे इस क्वेश्चन को, इस क्वेश्चन का आंसर आपके लिए। हाँ बहुत लोग कुछ, अरे आंसर ए भी आ गया, अरे ए नहीं होगा भाई, ए तो बिल्कुल नहीं होगा। देखें अब इसको समझते हैं, ध्यान से देखें। अब मैं एक्सप्लेनेशन दे रहा हूं, अब आप कमेंट ना करें। देखें जब हम बात कर रहे हैं कि द बबल ट्यूब सर्वे, हम बबल ट्यूब की अगर हम बात करें टेम्परेचर पर डिपेंडेंट है, तो देखें जरा अगर हम बात करें टेम्परेचर अगर हमारा राइज होगा तो सेंसिटिविटी डिक्रीज हो जाती है। ये बात मैंने आपको जब हमारा ये क्वेश्चन आया था तब हमने डिस्कस करी थी और मैंने ये भी बताया था। तो होता क्या है इसके अंदर कि हमारा जो बबल ट्यूब है, इस बबल ट्यूब में जो हमारा बबल है ये, उसके अंदर हमारा एक लिक्विड जो भरा हुआ रहता है, ये हमारा लिक्विड में यहाँ पर आपको देखें ग्रीन कलर से ये लिक्विड में यहाँ पर फिल कर रहा हूं, ये लिक्विड हमारा क्या होगा, इस लिक्विड में एक्सपेंशन होता है। तो लिक्विड में जब एक्सपेंशन होगा तो कहीं ना कहीं हमारा क्या होगा, इस बबल की जो लेंथ है वो हमारी क्या हो जाती है, डिक्रीज हो जाती है। तो मैंने आपको बताया था कि जो सेंसिटिविटी है वो कम हो जाएगी, कब, जब लेंथ ऑफ बबल हमारा कम हो जाएगा। क्या हो जाएगा, लेंथ ऑफ बबल हमारा क्या हो जाएगा, कम। तो अब लेंथ ऑफ बबल की अगर हमारी लंबाई घट जाएगी तो सेंसिटिविटी घट जाएगी। तो यही आप ध्यान दें कि जब टेम्परेचर राइज होगा तो टेम्परेचर राइज होने पर लिक्विड में एक्सपेंशन होगा, लिक्विड फैलेगा, और लिक्विड फैलेगा तो बबल की लेंथ हमारी कम हो जाएगी, और बबल की लेंथ अगर हमारी कम हो जाती है तो सेंसिटिविटी भी हमारी कम हो जाती है। तो इससे आप क्या सीखे कि टेम्परेचर बढ़ेगा तो बबल की जो लेंथ है वो हमारी क्या हो जाएगी, बढ़ेगी नहीं, डिक्रीज हो जाएगी। तो जो जो ऑप्शन डी बता रहे थे उनका आंसर, ज्यादातर का आंसर हमारा सही है। क्लियर, डिक्रीज आंसर होगा इसका, बिल्कुल। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे अगला, कह रहा है लेबलिंग ऑफ द पॉइंट्स कैन बी फाउंड। इसका आंसर दें कि लेबल्स ऑफ द पॉइंट्स कैन बी फाउंड, कि हमारे जो पॉइंट्स हैं, जो बिंदु हैं, अविनाश मौर्य पोलिंग करवा रहे हैं, करिए जल्दी से। देखें लेबल्स ऑफ द पॉइंट कैन बी फाउंड बाई, जो हमारे लेबल्स हैं पॉइंट के, किसी भी पॉइंट्स के, वो कैसे फाउंड कर सकते हैं, बोथ। देखें मेजरिंग प्रेशर, आपने अभी हमने डिस्कस किया, अभी जो हमने क्लास हमने जो क्वेश्चन डिस्कस किया था उसमें मैंने आपको क्या बताया कि लेबलिंग जो हमारी इनडायरेक्ट टाइप की थी उसमें बैरोमेट्रिक भी था, हाइप्सोमेट्रिक था और ट्रिगोमेट्रिकल था। तो उस कंडीशन में हमने देखें मेजरिंग प्रेशर वाली हमारी लेबलिंग कौन सी होती है, बैरोमेट्रिक लेबलिंग। तो बैरोमेट्रिक लेबलिंग से भी हम क्या करते हैं, बैरोमेट्रिक लेबलिंग से भी हम लेबल्स फाइंड कर सकते हैं। ये तो हो गया। दूसरा मेजरिंग बॉइलिंग पॉइंट ऑफ वाटर, इसके द्वारा हम हाइप्सोमीट्री जो हम क्या करते हैं, हाइप्सोमीट्री हम लेबलिंग करते हैं उसमें हम इसको फाइंड कर सकते हैं। इसका मतलब हम लेबल इससे ही फाइंड कर सकते हैं, इससे ही फाइंड कर सकते हैं। तो लगाएंगे बोथ आर करेक्ट, बिल्कुल हाइप्सोमेट्रिक, बिल्कुल सही है। तो हम क्या करेंगे सर, बोथ आर करेक्ट, इसमें हमारा आंसर लगाएंगे। क्लियर है ये आंसर, सही समझ में आया सभी को। आगे देखेंगे क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट, अगला देखेंगे, इसका आंसर करेंगे सभी स्टूडेंट, इसका आंसर करेंगे। बहुत सारे स्टूडेंट मैं देख रहा हूं कि वो बाद में आ रहे हैं, बाद में ज्वाइन हो रहे हैं, बाद में लाइव की संख्या बढ़ जा रही है, स्टार्टिंग में लाइव की संख्या कम हो जा रही है। तो क्या आपको समय का पता नहीं है, 12:30 बजे से हमारी क्लास हम डेली लेकर आते हैं आप लोगों के लिए। एक्सीलेंट विजन जो हमारी टेक्निकल अकेडमी है, इस प्लेटफॉर्म पर हम डेली आपके लिए 12:30 बजे से ये हमारा क्वेश्चन का सेशन होता है, जिसमें हम
टॉप 15 से 20 क्वेश्चन हम डिस्कस कर रहे हैं यहां पर, और वो आपको ज्वाइन टाइम से ज्वाइन करना चाहिए। डेली लिंक का होना जरूरी नहीं है, आपको आ जाना चाहिए इस प्लेटफॉर्म पर, आपको ऑटोमेटिकली ज्वाइन करना चाहिए। आगे देखेंगे अगला, ये एकेडमी हमारी प्रयागराज इलाहाबाद, आपने सुना होगा वहां पर है। देखें जरा नेक्स्ट क्वेश्चन, आगे हमसे बोला गया इन लेबलिंग बोथ आर करेक्ट, ज्यादातर का आंसर सही आ रहा है। देखें इसमें हमसे बोला गया है कि इन लेबलिंग, कि लेबलिंग में परमानेंट बेंचमार्क आर स्टेबलाइज्ड बाय सम गवर्नमेंट एजेंसी ऑन परमानेंट पॉइंट, कह रहा है जो हम परमानेंट बेंचमार्क एस्टेब्लिश करते हैं वो हम कुछ गवर्नमेंट एजेंसी जैसे कि पीडब्ल्यूडी या सीबीडब्ल्यूडी द्वारा हम परमानेंट बेंचमार्क हम एस्टेब्लिश करवाते हैं, तो ये हमारा ऑप्शन पहला राइट है, करेक्ट है। दूसरा टेम्पररी बेंचमार्क यानी टीबीएम की हम बात करें तो टीबीएम आर द पॉइंट्स, टीबीएम ऐसे बिंदु होते हैं जब हम ऑन विच ए डे, जहां पर हमारा एक दिन का काम खत्म हो जाता है और नेक्स्ट डे का काम उसी पॉइंट से स्टार्ट करते हैं, तो उसे हम टीबीएम कहते हैं। क्वेश्चन हमारा इस सीरीज का जो पहला सवाल था वो इसी का तो था, बिल्कुल जी हाँ बिल्कुल आर्बिट्रेरी। तो इसका आंसर आप क्या लगाएंगे, बोथ वन एंड टू आर करेक्ट, दोनों ही हमारे कैसे हैं, सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन आगे देखें, द लिक्विड इन लेवल ट्यूब शुड बी, कि हमारी जो लिक्विड है वो लेवल ट्यूब वाला वो कैसा होना चाहिए, इसके बारे में बात करें। ये क्या क्या कमेंट करते रहते हो, 19 ईयर टाइडल वाइडल क्या है ये। देखें जरा इसमें, द लिक्विड इन ए लेवल ट्यूब, लिक्विड इन ए लेवल ट्यूब शुड बी, जो हमारा लिक्विड हमारा लेवल ट्यूब में है वो कैसा होना चाहिए, ऑप्शन डी। देखें जरा, मैं आपको बता चुका हूं कि जो हमारी जो बबल ट्यूब है, ये हमारे पास कोई एक ट्यूब है, इस ट्यूब में यहाँ पर हमारे पास बबल है और इस बबल में यहाँ पर लिक्विड भरा हुआ है। आप जानते हैं कि किसी भी लेवल मशीन में, इसका एक्सप्लेनेशन देखेंगे जरा ध्यान से समझेंगे थोड़ा सा, ये हमारे पास कोई ग्राउंड है जहां पर हमने ये लेवल ट्यूब, जो हमारी लेवल मशीन का एक ट्राइपॉड है, यहाँ पर आप समझ लीजिए कि ये हमारे पास कोई टेलीस्कोप है और टेलीस्कोप में हमारे पास, इस टेलीस्कोप के साथ आप जानते होंगे यहाँ पर हमारे पास ये लेवल ट्यूब लगी रहती है और इस तरीके से रहती है। जब हम सर्वे करते हैं, आपने देखा होगा कि जब हम सर्वे करते हैं तो हम इस बबल का, हम ये जो बुलबुला रहता है इसका हम बड़ा विशेष ख्याल रखते हैं। हम ये देखते हैं कि जो हमारे पास जो प्लेट होती है, ट्राई ब्रैच और ट्राई बैट, जो हमारी प्लेट होती है इंस्ट्रूमेंट में नीचे से जहां हमारे फुट स्क्रू लगे होते हैं उसको हम घुमाते जाते हैं, और घुमाने पर बिल्कुल सभी सब्जेक्ट की प्रैक्टिस होगी, यूट्यूब पर सभी सब्जेक्ट की प्रैक्टिस हमारी यूट्यूब पर भी होगी, और साथ के साथ हम हमारे बैच चलेगा, हमारा ये कोचिंग की तरफ से हमारा बैच चलेगा, एक ऑनलाइन हमारे ऐप पर चलेगा, उस पर भी हमारी क्लासेस होंगी। तो देखें जरा, अब जो हमारे पास ये जो बबल ट्यूब है, इस बबल ट्यूब में अगर हम बात कर रहे हैं, ये जो हमारा पॉइंट है, देखें यहां पर हमारी ये जो लाइन जाती है उस बबल ट्यूब के कर्वेचर के हाईएस्ट पॉइंट से जो हमारी टेंजेंट लाइन जाती है उसे हम क्या कहते हैं, लेन एक्सिस ऑफ बबल ट्यूब कहते हैं। हम विशेष ध्यान इस बात का रखते हैं कि जब हम सर्वे कर रहा होता है कोई भी सर्वेयर, तो इस बात का ध्यान रखता है कहीं ये बबल हमारा इधर उधर ना हो जाए। तो इस बबल में सपोज कीजिए कोई भी इनएक्टिव ऐसी कोई एक्टिविटी हुई, जैसे हमारी कोई टांग वगैरह इस ट्राइपॉड में लग जाती है या हाथ वगैरह लग जाएगा, तो उस कंडीशन में हमारा जो बबल है वो क्या हो जाएगा, थोड़ा हिल डुल जाएगा। तो उस कंडीशन में ये इतना तेजी से हिलना चाहिए, यानी इतना जल्दी से एक्ट करना चाहिए कि कोई भी इंस्ट्रूमेंट में अगर एक्टिविटी हुई है तो इतना तेजी से एक्ट करना चाहिए ताकि सर्वेयर को रीडिंग लेने से पहले ये पता चल जाए, क्योंकि सर्वेयर बार बार इसको देखता रहता है कहीं ऐसा तो नहीं है कि बबल ट्यूब हमारा का बुलबुला इधर उधर हो गया है। तो इसलिए हम यहाँ कहते हैं कि क्विक एक्टिंग तो जरूर होना चाहिए, जो हम लिक्विड यहाँ पर हमने भर रखा है, क्लियर। दूसरा, नॉन फ्रीजिंग होना चाहिए, क्योंकि ऐसा ना हो कि हम किसी ऐसे स्थान पर हम सर्वे कर रहे हैं जहां पर हमारा टेम्परेचर बहुत ही कम है, उस कंडीशन में हमारा ये नॉन फ्रीजिंग नहीं होना चाहिए, यानी कि ये हमारा स्टेबल रहना चाहिए, यानी इस पर ज्यादा टेम्परेचर का इफेक्ट नहीं पड़ना चाहिए। स्टेबल अंडर द नॉर्मल टेम्परेचर वेरिएशन, कि अगर टेम्परेचर का नॉर्मल वेरिएशन हो रहा है तब उस कंडीशन में हमारा इसमें ये स्टेबल रहना जरूरी है, क्लियर।
तो इस यहां पर इसके लिए हम क्या लगाएंगे, ऑल ऑफ दी अबव, इसका हम आंसर यहां पर लगा देंगे, राइट है, ठीक है। चलिए आगे देखेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन, अगला क्वेश्चन हमारा क्या है, सेंसिटिविटी ऑफ बबल ट्यूब इंक्रीज विद, हमारी बबल ट्यूब की जो सेंसिटिविटी है वो इंक्रीज होती है कैसे, जरा बताएं जल्दी से फटाफट इसमें, सेंसिटिविटी ऑफ बबल ट्यूब इंक्रीज विद कैसे इंक्रीज होती है उसको देखेंगे। डी पहला ऑप्शन देखेंगे, जरा पहला ऑप्शन नंबर वन क्या कह रहा है कि एन इंक्रीज द रेडियस ऑफ कर्वेचर, यानी सेंसिटिविटी हमारी इंक्रीज हो जाती है जब रेडियस ऑफ कर्वेचर इंक्रीज हो जाती है, पहला स्टेटमेंट सही है। दूसरा स्टेटमेंट स्मूथनेस ऑफ, यानी इंटरनल स्मूथनेस की अगर हम बात करें तो अगर स्मूथनेस हमारी बढ़ेगी तो उस कंडीशन में हमारी सेंसिटिविटी भी हमारी बढ़ जाती है, तो हम क्या करेंगे, ये भी सही है ये भी सही है, यानी कि बोथ वन एंड टू आर करेक्ट, डी आंसर सही बता रहे हैं, नन ऑफ दी अबव। आशीष कुमार आपने पढ़ा होगा या फिर आप लगातार वीडियो देख ही नहीं रहे हैं जब ये क्वेश्चन कम से कम 10 से ज्यादा बार मैं डिस्कस कर चुका हूं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे तो इसका आंसर कौन सा होगा, बोथ वन एंड टू आर करेक्ट, हमसे करेक्ट पूछा है इसमें, हमसे पूछा गया है कि इन दोनों में कौन सा सही है स्टेटमेंट, दोनों ही सही है। व्हाट विल बी द करेक्शन फॉर कर्वेचर फॉर ए डिस्टेंस ऑफ 1000 मीटर, इसका आंसर आप ही लोग कीजिए, इसका आंसर आप ही करें, इसका आंसर करें जल्दी से। B कर्वेचर करेक्शन हमसे पूछा गया, जल्दी करें, कुछ लोगों का ए भी आंसर आ रहा है, वो ये समझ रहे हैं वो क्वेश्चन ही नहीं पढ़ रहे हैं, क्वेश्चन पढ़े, क्वेश्चन में बोला गया है करेक्शन फॉर कर्वेचर, इसको ध्यान दीजिए, कंबाइंड करेक्शन नहीं पूछा है, करेक्शन फॉर कर्वेचर, सिर्फ कर्वेचर का करेक्शन पूछा है हमसे। अनु चौधरी ये 0.0785 बिल्कुल, देखें आगे, राम राती बिंद विजय कमलेश बिल्कुल, करेक्शन मीटर में होता है, सही है, ठीक है। तो ये हमारी जो डिस्टेंस हम लेते हैं इसको हम वन किलोमीटर में चेंज कर लेंगे और फॉर्म लगा देंगे तो इसका आंसर हमारा बी आएगा, इसका आंसर सभी लोग सही दे रहे हैं तो ठीक है इसका आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन, ये क्वेश्चन बताएं जरा इसका आंसर करें, 66 का बी, हाँ ठीक है, करेक्शन फॉर कर्वेचर है 0.0785, ठीक है आंसर आपका, इसका देखें 67 का आंसर करें जल्दी से कंबाइंड में, बिल्कुल मोहित वाजपेयी बिल्कुल, तीनों आंसर आपके सही है। इसका देखें पर रिफ्रैक्शन, ठीक ठीक ठीक, ये बताएं जरा द कॉलिमेशन मेथड, इसका आंसर करें जल्दी सी। देखेंगे जरा, सबसे पहले तो आप इसको मैं आपको इंडिकेट हिंट देता हूं कि द कॉलिमेशन मेथड का मतलब है यहां पर हाइट ऑफ इंस्ट्रूमेंट मेथड, यानी एचआई मेथड, कॉलिमेशन मेथड को यहां पर आप कहें एचआई मेथड, ठीक, क्योंकि एचआई मेथड को ही हम कॉलिमेशन मेथड कहते हैं। तो इसमें हमें द कॉलिमेशन मेथड यानी कि एचआई मेथड ऑफ लेबलिंग इज सुपीरियर, कह रहा है कि अच्छा है किस मामले में, टू द राइज एंड फॉल, यानी राइज एंड फॉल से कैसा है, अच्छा है, इन ऑल ऑफ द फॉलोइंग एक्सपेक्ट, कह रहा है इन सभी में किसको छोड़कर अच्छा है। तो देखें, मैंने आपको कल हमने जब डिस्कस किया था तो मैं आज यहां पर फिर डिस्कस करूंगा इसको, इन शॉर्ट हाइट ऑफ इंस्ट्रूमेंट मेथड में हमने बात की थी और दूसरा हम बात करते हैं राइज एंड फॉल मेथड की, राइज एंड फॉल। तो मैंने आपको पॉइंट नंबर वन बताया था क्या, कि ये हमारा टाइम कंज्यूमिंग मेथड है, कैसा है हमारा, इसमें यहां पर टाइम कंज्यूमिंग नहीं, बाई मिस्टेक ये लिख दिया मैंने, ये हमारा टाइम, देखें राइज एंड फॉल मेथड जो हमारा है वो कैसा है, टाइम कंज्यूमिंग मेथड है, इसमें टाइम ज्यादा लगता है, टाइम कंज्यूमिंग मेथड, जबकि हमारा ये लेस टाइम रिक्वायर्ड, यानी इसमें हमारा बहुत कम समय की जरूरत होती है। दूसरा इजी मेथड है, ये हमारा आसान है, ठीक है, और ये हमारा हार्ड मेथड है, ये कठिन मेथड है, इसमें हमें ज्यादा कैलकुलेशन करनी पड़ती है, मोर कैलकुलेशन रिक्वायर्ड, क्यों करनी पड़ती है मोर कैलकुलेशन उसको भी देखेंगे यहां पर। तीसरा लेस कैलकुलेशन रिक्वायर्ड, यहां पर हमारी लेस कैलकुलेशन। आगे हम बात करेंगे इसमें BS, FS, IS ऑल चेक, यहां पर हम सभी को चेक कर देते हैं
क्या हम ये बात करेंगे कि सभी का इंपॉर्टेंस है और रिक्वायर्ड लेस कैलकुलेशन, बिल्कुल। और दूसरा इसमें हम ओनली क्या करते हैं, बी एस एंड एफ एस का ही इंपॉर्टेंस है, आई एस का कोई इंपॉर्टेंस नहीं है। दूसरा हम ये भी बात करेंगे कि ये हमारा इजी मेथड है, ये हो गया। चलो और क्या लिख सकते हैं इसमें, हमारा जो फार्मूला भी है वो इसमें हम तीनों को चेक करते हैं, इसमें हम दो को चेक करते हैं। फार्मूला भी हमारा सिग्मा बी एस माइनस सिग्मा एफ एस बराबर लास्ट सायरल माइनस फर्स्ट सायरल, जबकि इसमें होता है सिग्मा बी एस माइनस सिग्मा एफ एस इक्वल टू सिग्मा राइज माइनस सिग्मा फॉल इक्वल टू लास्ट सायरल माइनस फर्स्ट सायरल। तो यहां पर हम कहेंगे कि जो हमारा लाइन ऑफ हाइट ऑफ इंस्ट्रूमेंट ऑफ लेबलिंग इज सुपीरियर टू द राइज एंड फॉल, कि राइज एंड फॉल मेथड से एच आई सुपीरियर है किसके लिए, हैज लेस एरर लेस टीडियस। देखें ये हमारा लेस टीडियस है, बिल्कुल। देखें रिक्वायर्ड लेस कैलकुलेशन सही है, इसमें लेस कैलकुलेशन रिक्वायर्ड होता है। लेस टीडियस है, कम थकाऊ है, बिल्कुल, जब कम काम करेंगे तो कम थकेंगे। हैज लेस एरर, कह रहा है कि इसमें लेस एरर होती है, नहीं। यहां पर हम यह बात करेंगे कि इसमें हमारी हाई एक्यूरेसी होती है, हाई एक्यूरेसी होती है, जबकि इसमें हमारी एक्यूरेसी लेस, इसके अंदर हमारी एक्यूरेसी लेस होती है, यानी एक्यूरेसी हमारी कम होती है। स्पीड रैपिडिटी, ये हमारा स्पीड वाला मेथड है, यानी लेस टाइम रिक्वायर्ड, इसका मतलब क्या है, इसमें स्पीड ज्यादा है, ठीक। तो अब देखें इसको छोड़कर बाकी, यानी इसके इसको छोड़ दें तो इन तीनों में सुपीरियर है, तो आंसर हो जाएगा कौन सा सही इसमें। अब आप बताएं इसमें आंसर कौन सा सही लगाएंगे, बिल्कुल आंसर बताएं इसमें कौन सा ही लगाएंगे आप, सी आंसर सही लगाएंगे, राइट, बिल्कुल। आंसर कौन सा ही लगाएंगे हम इसमें, सी आंसर इसमें सही लगाएंगे, बिल्कुल करेक्ट है। तो ये हमने यहां पर डिस्कस किया, बिल्कुल बिल्कुल। देखिए जितने भी स्टूडेंट यहां पर हमारी वीडियो देख रहे हैं, अगर आपको हमारे सेशन अच्छे लगते हैं, वीडियो हम एक एक करके आगे हम टॉपिक को लगातार डिस्कस करते रहेंगे, डेली हमें इसी तरीके से आपके लिए क्वेश्चन लेके आते रहेंगे। आप टाइमली करेक्ट 12:30 बजे डेली, आप जब समय चेंज होगा तो आप एक्सीलेंट विजन के जो यूट्यूब चैनल है उसके कम्युनिटी टैब में आप जाया करिए, कुछ चेंजिंग होगी, अदरवाइज डेली 12:30 बजे चलेगा। अगर कुछ चेंजिंग आती है समय में या किसी दिन में क्लास नहीं होनी है, वैसे ऐसे बहुत कमी होगा, लेकिन अगर कोई समय चेंज होता है या किसी दिन क्लास नहीं होती है, वहां पर हम इन्फॉर्मेशन कर देते हैं, इन्फॉर्मेशन वहां पर आपको मिल जाती है। तो एक्सीलेंट जो विजन है वो उसका यूट्यूब चैनल आप सब्सक्राइब कर लें, उसका नोटिफिकेशन बेल आइकन ऑन कर लें, ताकि आपको लगातार जानकारियां आपको मिलती भी रहे। और साथ के साथ जब हम आपको पढ़ाते हैं तो ये जो कंटेंट आपको मिल रहा है, लगातार क्वेश्चंस के साथ आपकी सब्जेक्ट की प्रैक्टिस हो रही है। हमारा उद्देश्य सिर्फ यहाँ पर क्वेश्चंस कराना नहीं है कि फटाफट आए क्वेश्चन बताया आंसर बता दिया हो गया जयराम जी की और आगे हम चल दिए, ऐसा नहीं है। मैं आपको एक एक करके, यही सब्जेक्ट नहीं जितने भी सब्जेक्ट यहाँ पर हम पढ़ाएंगे आपको, एक एक करके उस पॉइंट्स के एक्सप्लेनेशन जितना हम दे सकते हैं, जितनी अपनी क्षमता के अनुसार हम उतने एक्सप्लेनेशन आपको देंगे। लेकिन आपकी ये ड्यूटी भी है कि अगर ये सेशन आपको अच्छा लगता है तो वीडियो को लाइक करके जाइए, साथ साथ चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और वीडियो को ज्यादा से ज्यादा लोगों में शेयर करके हमारा सहयोग भी करें। तो धन्यवाद दोस्तों, आज की क्लास हमारे पास इतनी ही थी, एंड थैंक यू, मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में कल सेम जगह सेम टाइम पर। धन्यवाद।